आज करेंगे एक ऑसम मॉडलिंग फोटोशूट विद लोकेशन चैलेंजेस के साथ। तो बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम आता है जब वो मॉडल फोटो शूट करते हैं कि यार लोकेशन को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। समझ नहीं आता कौन सी जगह यूज़ करें, किस तरह से करें और कैसे हमारे पिक्चर्स जो हैं बेहतरीन निकल के आ सकते हैं, क्योंकि एक बिगनर के पास में ज़्यादा कुछ सामान तो होता नहीं एक्सेप्ट उसका कैमरा और लेंस के अलावा, नेचुरल लाइट और जो भी अवेलेबल लोकेशन है उसके अलावा। तो आज इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख पाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे साथ में खड़ा है नवीन भारद्वाज। नवीन जो है एक मुंबई बेस्ड मॉडल है। अगर आपके एक अच्छे मॉडल की तलाश है तो इनका इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं और अगर आपको एक अच्छे मॉडल की ज़रूरत है तो आप इन्हें हायर भी कर सकते हैं। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हर बिगनर को सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि यार हम जिस भी लोकेशन में शूट कर रहे हैं वहाँ पर हम कैसी चीज़ों को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर मैंने आइडिया लगाया, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये एक वाइट कलर का बहुत ही अच्छा लकड़ी का मुझे एक स्ट्रक्चर मिला है और मैंने मॉडल को नीचे बैठाया है। तो देखा जाए तो मैंने एक आउटडोर लोकेशन में अपने लिए एक स्टूडियो को क्रिएट करने की कोशिश की है और नेचुरल लाइट को अपने फेवर में करने की कोशिश करूंगा ताकि इसके जो पिक्चर्स हैं वो मैं बेहतरीन मिलें। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है थोड़े से ऑब्जर्व करिए ऑन लोकेशन, जिससे आप अपने फोटोज़ को थोड़ा बेटर बना सकें। चलिए लेते हैं पहला शॉट और देखते हैं कि हमें पिक्चर कैसा मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं पीछे वाइट जो है अच्छे से ब्लर हो रहा है, F2 पे मैं शूट कर रहा हूँ ताकि पिक्चर जो है थोड़ी हमें बेहतरीन मिले। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने इस वाइट कलर के बैकड्रॉप को यूज़ किया और अपने मॉडल को उसी हिसाब से पोजीशन किया। तो जो भी चैलेंजेस आपको आते हैं ऑन लोकेशन उनसे आपको घबराना नहीं है, बस आप सही चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, सही तरह की चीज़ें आप लोकेशन से उठाइए, पिक्चर्स आपको बेहतरीन मिलेंगे। अब हमारा जो दूसरा चैलेंज है कि भाई अगला पिक्चर अब कैसे लें, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और आप देख रहे हैं कि ये पिलर हमें मिला है, तो मैं अब इसको बोलूँगा लीन करने के लिए पिलर पर और फिर कुछ फोटोज़ लूँगा। जैसे एक बार आप लीन करिए यहाँ पर। अब ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज एक तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पोज करने के लिए आसान होगा, दूसरा जब मैं यहाँ से देखिए इस तरह से पिक्चर लूँगा तो पीछे का बैकग्राउंड मुझे ब्लर मिलेगा और ओवरऑल जो मेरा सीन है वो बहुत ही कमाल का निकल के आएगा। चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स। बैकग्राउंड कमाल का ब्लर नज़र आ रहा है और फ्रेमिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। अब जो तीसरा चैलेंज है वो भी दोस्तों काफ़ी कमाल का है, क्योंकि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि यार आगे क्या शूट करें। तो इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना है। तो मैंने सोचा कि भाई देखिए यहाँ पर थोड़ा ग्रीनरी है, ये गमला लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीनरी मिल रहा है, तो इसके बीच में मैंने अपने मॉडल को प्लेस किया है और मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पर बिल्कुल, ताकि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा ब्लर करूँगा, यानी कि मेरे लेंस के आगे आएगा और यहाँ पर हम इनका एक छोटा सा पिक्चर लेंगे और पीछे जो है हमें अच्छा खासा शायद बोके या पीछे ब्राइटनेस थोड़ी अच्छी मिले। लेट्स टेक पिक्चर्स, देखते हैं पिक्चर्स हमें कैसी मिलती हैं।
और आज का चौथा चैलेंज है वो लोकेशन पर ये कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर मैंने प्लान किया कि यार ये जो आप नीचे का फ्लोर देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, कलर्स अच्छे मिल जाएंगे बिकॉज ग्रीन पहना है इन्होंने, और जो पीछे का थोड़ा धूप है उसे भी साथ में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दो तरह के शॉट लेने की कोशिश करेंगे जहाँ हम बैकग्राउंड को ब्लर कर सकें और थोड़ा इसका बेस ले सकें। तो आपको आउटडोर लोकेशन में इस तरह से थोड़ा सा अपने लोकेशन को जज करना है, ऑब्जर्व करना है और सोचना है कि भाई मॉडल ने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह का पर्सनैलिटी है, फेस कट कैसा है, उस हिसाब से जो आपको अपने शॉट को थोड़ा सा मर्ज करना आना चाहिए लोकेशन के साथ में, अपने मॉडल को, लाइट को, इन सबको एक कलेक्टिवली जो है आपको यूज़ करना आना चाहिए, तभी जाके जो है आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनोगे। तो देखा आपने किस तरह से हमने अपने आउटडोर लोकेशन को एक चैलेंज के रूप में लिया और एक अच्छा खासा मॉडल फोटोशूट हमने कर लिया और बेहतरीन हमें पिक्चर्स मिल गए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास में स्टूडियो नहीं है या आपके पास में लाइटिंग गियर्स नहीं है, अगर आपके पास में एक अच्छा कैमरा और एक 50mm का लेंस भी है तो भी आप आसानी से इस तरह की फ़ोटोज़ को अचीव कर पाएंगे। आपको पिक्चर्स कैसे लगे, आपको आइडियाज़ कैसे लगे, आपको फ़ोटोज़ को आउटडोर में जो है लोकेशन को चैलेंज को हैंडल करने का तरीका कैसा लगा वो मुझे आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।